तुम कहते हो कि वजूद की मोहब्बत मोहब्बत नहीं हवस है, मोहब्बत नहीं हवस है। वजूद क्या होता है? वजूद क्या होता है? रूह और जिस्म का मरकब, रूह और जिस्म का। अब बताओ मोहब्बत रूह की है या जिस्म की? मोहब्बत रूह की है या जिस्म की? ठहरो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। कभी तुमने रूह को देखा है? कभी तुमने रूह को देखा है? तुम्हें रूह और जिस्म के इस मरकब से मोहब्बत है, जिस्म के इस मरकब से मोहब्बत है। जिस्म तो सिर्फ रूह तक रसाई का जरिया है, सिर्फ रूह तक रसाई का जरिया है। नहीं समझे? अच्छा सुनो, अगर रूह और जिस्म के इस मरकब से, रूह और जिस्म के इस मरकब से रूह निकल जाए तो जिस्म का क्या करोगे? निकल जाए तो जिस्म का क्या? मनु मिट्टी तले उसे डाल आओगे या जिस्म को संभाल कर रखोगे? या जिस्म को संभाल कर रखोगे? नहीं ना, तुम कहोगे कि इस जिस्म का क्या करना है, इस जिस्म का क्या करना है। अच्छा ये तो मानते हो कि माँ की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है। क्या कभी किसी माँ ने भी अपने बच्चे का जिस्म संभाल कर रखा है? संभाल कर रखा है। माँ को बच्चे के जिस्म पर एक खराश भी गवारा नहीं होती, खराश भी गवारा नहीं होती। मगर जब तक उसमें रूह रहे, मगर जब तक, यानी जब तक वो उसकी कहानी का एक किरदार रहे, किरदार रहे। बस मोहब्बत और हवस में यही फर्क है, और हवस में यही फर्क है। अगर वजूद में जिस्म की मोहब्बत गालिब आ जाए तो हवस, मोहब्बत गालिब आ जाए तो, और अगर रूह की मोहब्बत गालिब आ जाए तो इश्क है। इश्क।